क्लास अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास है वो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अपना जो नेक्स्ट क्लास है वो क्या है, इसको कहते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये कौन सा होता है? ये होता है तुमको प्लस प्लस इंक्रीमेंट और माइनस माइनस डिक्रीमेंट, ये दो ऑपरेटर है, ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब कहता क्या है, इसका दो फॉर्म होता है, इसका फॉर्म है दो, पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो होता है उसका क्या होता है, पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स दो फॉर्म में होता है। तो अब क्या आता है रूल, इसको हम थोड़ा उस पे लिख देते हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, इसके यूज करने का तरीका इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये हो गया तुम्हारा प्लस प्लस कॉमा माइनस माइनस, कितने फॉर्म में यूज होता है, दो फॉर्म में यूज होता है, पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स, ठीक है। जैसे कि बात आता है कि मैंने लिखा इंट ए बराबर, इंट ए बराबर 10, ओके। अब मैं लिखता हूं ए इक्वल टू, ये तो बहुत परेशान करता है, ए इक्वल्स टू, ऑटो करेक्ट जो होता है ना इसका बहुत परेशान करता है, ए इक्वल्स टू ए प्लस प्लस। तो व्हाट डू यू मीन बाय ए प्लस प्लस, एक्चुअली ए प्लस प्लस मीन्स होता है ए इक्वल्स टू ए प्लस वन, प्लस वन ही है इसका मतलब। मतलब कहने का क्या हुआ कि a प्लस वन, ए है 10, तो ये हो गया तुम्हारा, दोनों सेम चीज है, मैं इसे यहां लिख देता हूं, ये दोनों सेम चीज है, a प्लस प्लस लिखो या a इक्वल टू a प्लस वन लिखो, प्लस प्लस कहने का मतलब प्लस वन, माइनस माइनस कहने का मतलब, माइनस माइनस कहने का मतलब माइनस वन, ठीक है, ए माइनस वन। तो इसका मतलब क्या होता है, ए माइनस इक्वल्स टू वन, बात समझ गए, पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स का कहानी बाद में, पहले हम देखते हैं प्लस प्लस मतलब क्या और माइनस माइनस मतलब क्या। प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट बाय वन एंड माइनस माइनस मतलब डिक्रीमेंट बाय वन। लेकिन इसका जो कहानी आता है पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स का, बाबू सी में यह सबसे खतरनाक क्वेश्चन में से एक आता है ऑब्जेक्टिव के केस में। एक्चुअली इसका रीजन है इट्स ऑपरेशन पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स, ओके, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, इट मींस इट परफॉर्म ओपीईआरएटी ऑपरेशन टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय वन, ओके। ये जो होता है इट परफॉर्म ऑपरेशन टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय वन, इट इज यूज इन टू फॉर्म, इट इज यूज इन टू फॉर्म, फर्स्ट इज पोस्ट फिक्स एंड सेकेंड इज प्रीफिक्स। क्या सब होता है, एक होता है पोस्ट फिक्स एंड एक होता है प्रीफिक्स। पोस्ट फिक्स क्या होता है, व्हेन प्लस प्लस, व्हेन प्लस प्लस और माइनस माइनस यूज्ड एज ए प्लस प्लस और ए माइनस माइनस,
ये हो गया आपको फिक्स एक्सप्रेशन, मतलब बाद में। ओके अगला है तुमको व्हेन प्लस प्लस और माइनस माइनस यूज एज प्लस प्लस ए और माइनस माइनस ए, माइनस माइनस ए, देन इट इज एग्जांपल ऑफ प्री फिक्स। ओके देन इट इज एग्जांपल ऑफ ओके ये हो गया तुम्हारा पोस्टफिक्स का है और ये हो गया प्रीफिक्स का, बात समझिए। अब क्या होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, समझ गए इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया। इट परफॉर्म ऑपरेशन टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय वन, इट इज यूज्ड इन टू फॉर्म इन TWO2, टू फॉर्म फर्स्ट इज पोस्टफिक्स एंड सेकेंड इज प्रीफिक्स, बात समझ गया। अब बात आता है कुछ गाइडलाइन का, वो ध्यान रखना, याद रखना एक चीज, इज डिपेंड ऑन द कंपाइलर, ये याद रखना। एक्चुअली इट्स प्रेसिडेंट एंड एसोसिएबिलिटी इज डिपेंड अपॉन, डिपेंड ऑन द कंपाइलर, ये कंपाइलर पे कंप्लीटली डिपेंड करता है बाबू। इसलिए हो सकता है कि मैं जिस कंपाइलर पे आंसर दे रहा हूं वो तुम्हारे दूसरे कंपाइलर पे आंसर बदल दे, लेकिन एक बेसिक थ्योरी जो कहता है उसे आप लोग लेके चलिएगा तो गलती कभी नहीं होगा, बात समझ गए। तो चलिए अभी हम आपको एक चीज दिखाता हूं कि ए प्लस प्लस पहले पोस्ट फिक्स को हम लोग देखेंगे, हम लोग क्या करेंगे पोस्ट फिक्स को देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे किसका पोस्ट फिक्स, हम पोस्ट फिक्स का एग्जांपल सिर्फ देखेंगे अभी। तो चलिए प्रोग्रामेटिकली देखते हैं, कहते हैं इंच टाइप का मैंने बनाया ए, ए बराबर कर दिया 10, ओके इंच टाइप का ए, ए बराबर 10। अब बी दो को वेरिएबल बना लिए, कहता है कि बी बराबर ए प्लस प्लस, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बस तुमको इतना ही प्रिंट करना है। तो प्रिंट एफ ए बराबर परसेंट बी एंड बी बराबर परसेंट डी, वैल्यू लाइए कहां से ए से और दूसरा वैल्यू लाइए बी से। तो चलिए सबसे पहले काम कीजिएगा क्या, इसको ड्राई रन कीजिएगा, इसको क्या करना है आपको जस्ट ड्राई रन दिस कोड। ड्राई रन करने के लिए अपन लोग क्या खोल लेते हैं, तो होता क्या है मेमोरी बनेगा, सबसे पहले क्या होगा मेमोरी बनेगा, तो मेमोरी बनेगा तो क्या को मेमोरी बनेगा, एक मेमोरी बन गया ए, दूसरा मेमोरी बन गया बी, इसका नाम ए, इसका नाम ए और इसका नाम बी। ए में क्या रखने बोला तुमको, ए में रखने बोला 10, तो चलो ए में रख दिया मैंने 10। ओके अब क्या कहता है, लाइन खत्म, ए प्लस प्लस एक का काम, ए का 10 और बी में कुछ नहीं है तो बी में गार्बेज है कुछ। अब कहता है बी बराबर ए प्लस प्लस, बी बराबर क्या कहता है ए प्लस प्लस, तो b बराबर a प्लस प्लस कहता है तो b बराबर a प्लस प्लस, जस्ट ध्यान देना यहां पर। देखो पोस्ट फिक्स क्या कहता है, पोस्ट फिक्स कहता है
कि पहले जो है ना भैया अपना काम कर दीजिए, जो इनिशियलाइजेशन का काम हो या कोई अदर काम है वो काम पहले आप कर लीजिए, मतलब उस वैल्यू को पहले यूज कर लीजिए, आफ्टर दैट इंक्रीज कीजिएगा, जस्ट रिमेंबर इट और अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। पोस्ट फिक्स क्या कहता है? पोस्ट फिक्स कहता है कि पोस्ट फिक्स जब भी होगा तो पहले उसका जो वैल्यू है वो यूज हो जाएगा, आफ्टर दैट वो अपने वैल्यू को इंक्रीज करेगा, समझ गए? तो पहला मैंने क्या कहा, बी इक्वल टू ए, इट मींस पहले ए का वैल्यू बी, सॉरी बी का, ए का वैल्यू बी में रख दीजिए, तो ए का वैल्यू 10 है उसको बी में रख दीजिए, बी में रख दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 10, समझ गए? रखने का काम हो गया आफ्टर दैट ए प्लस प्लस, तो ए प्लस प्लस मतलब ए प्लस इक्वल टू ए प्लस 1, तो मतलब अब हो जाएगा वो 11, तो इस 10 को कट करके अपन लोग क्या कर देंगे, इसको इस 10 को अपन लोग काट देंगे और इस 10 को काट करके क्या कर देंगे, इस 10 को कट कर दिया और नया वैल्यू इसमें इसका रख देते हैं, नया वैल्यू इसमें इसका कितना आएगा, इसमें इसका नया वैल्यू आ रहा है 11। जस्ट ध्यान देना मेरे बातों को, अब इस प्रोग्राम को रन करवा, क्या मैं सही हूं या गलत, ए का वैल्यू 10 और बी का वैल्यू, सॉरी ए का वैल्यू 11 बी का वैल्यू 10 जो अपने मेमोरी से आया है, अभी देखो क्या होता है, देखो ए का वैल्यू 11 अभी का वैल्यू 10 है, बात समझ में आई? क्या कहता है, ए का वैल्यू 11 बी का वैल्यू 10, क्यों? मैंने जो बताया उसको फिर से सुनिएगा अगर आपको दिक्कत हो तो। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ये हो गया ए प्लस प्लस इक्वल टू 1। अब चलिए फिर से एक बार कर लेते हैं इस सेकंड एग्जांपल, इस प्रोग्राम को बना के आउटपुट लिखोगे और फिर से इस प्रोग्राम को आप दोबारा में बना रहा हूं वो बनाओगे, कहता है फिर से प्लस ए प्लस प्लस, अब बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, तो फिर से चलो ट्राई रन करो प्रोग्राम को, ट्राई रन करोगे सबसे पहले इसको बंद कर दो, तो हम कहाँ थे भैया, हम थे पहले तो अपन को एक अब नया प्रोजेक्ट बनाना है, न्यू क्लोज फाइव ये अब हो गया क्लोज फाइव, अब गया एस इंक्लूड न्यू डॉट एच, एस इंक्लूड न्यू डॉट
चलो चलो अब देखते हैं। एक प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ बनाया, एक बनाया ए ए बराबर 10 और दूसरा बनाया बी। अब कहता है ए प्लस 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 ए प्लस प्लस, तो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद ये क्या करता है, जस्ट हमको ये देखना है। तो चलिए फिर से हम ट्रायल रन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ए, मेरा इरेजर कहाँ है, ए, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बराबर 10। सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी आएगी, 10, तो जस्ट पुट इट 10 इनटू ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, अब बी का वैल्यू आएगा क्या, तो जब आएगा तो ना देखेंगे बी का वैल्यू क्या आ रहा है। अभी तो उसको आने से पहले इसका क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा इस एक्सप्रेशन का। ये जो एक्सप्रेशन है उसका क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इसका ऑपरेशन कीजिएगा तो कैसे होगा, जल्दी से आइए देखते हैं ट्रायल रन प्रोसेस को। क्या कहता है, ए प्लस 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 ए प्लस प्लस, तो मैंने आपको क्या बोला, ए प्लस प्लस जब ये पोस्टफिक्स ऑपरेशन में होता है तो पोस्टफिक्स के केस में इसका काम है पोस्ट बाद में करना भैया, पहले जो वैल्यू है वो दे दो तो सबको। तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पर, 10, हवा में समझो कि यहाँ वैल्यू आ रहा है 10, और यहाँ पर ए का वैल्यू कितना आ रहा है 10, तो 10 और 10 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 20, तो 20 को उठा के पहले बी में डाल दो, तो बी में पहले 20 को डाल दो, तो ये गया बी में 20, ठीक है। अब 20 को डालने के बाद ये प्लस प्लस वाला जो काम है वो अब कर लो, तो प्लस प्लस करोगे तो देखो क्या होगा, ए को था 10, 11 हो गया, और उसके बाद ये ए को प्लस प्लस किए तो 12 हो गया। तो मतलब ए की वैल्यू जो है फाइनली कितनी हो गई, 12 हो गई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ ए इज 12। इसको कट करो और इसका नया वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, इसका नया वैल्यू जो है वो हो जाएगा तुम्हारा 5। तो आउटपुट क्या होगा, ए बराबर 12 और बी बराबर 20, ठीक है। रन करवा के देख लें, ए बराबर 12 और बी बराबर 20, देखो ए बराबर 12 एंड बी बराबर 20, इट मींस आई एम राइट, ओके। नेक्स्ट, ए बराबर बराबर 12, बी बराबर 20। चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं, एक बार और प्लस 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 ए प्लस प्लस, अब बताओ क्या होगा। अब फिर एक बार करना है तो फिर से मेमोरी बना, तो मेमोरी बना, तो मेमोरी बनाओगे, तो मेमोरी बनाइए, तो मेमोरी बनाइएगा तो सबको जल्दी जल्दी डिलीट कीजिए। चलिए क्या हो गया, ए भी मेमोरी बन गया, इंट इंट भी पढ़ा, तो बी बराबर कहता है ए प्लस प्लस, पहले तो a बराबर 10 रख दीजिए, तो a बराबर 10 रखना है तो लीजिए मैंने इसे चुन लिया, a बराबर क्या कर दिया मैंने, a बराबर मैंने कर दिया 10। अब कहता है b बराबर क्या होगा, तो b बराबर क्या होगा, a प्लस 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 a प्लस 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 a प्लस प्लस। तो मैंने क्या बोला, पोस्टफिक्स के केस में, पोस्टफिक्स के केस में इसका कोई ऑपरेशन आपको बाद में करना है, पहला काम करना है a का नॉर्मल वैल्यू लेकर के ऑपरेशन कर लीजिए जो भी करना है। तो a का वैल्यू 10, b का वैल्यू 10, फिर a का वैल्यू 10, तो 10 10 20 10 30 जोड़ो और बी में रख दो, तो बी में वैल्यू आ जाएगा इसका कितना, 30। फाइनली जब ये काम हो गया तब ये वाला बचा हुआ है, ये काम अब करेगा वो, ए प्लस प्लस मतलब 10 हो गया 11, 11 प्लस प्लस मतलब वो हो गया 12, उसके बाद 12 प्लस प्लस तो 13। तो फाइनली ये बराबर कितना हो गया, फाइनली जो ए का वैल्यू तुमको मिलेगा, फाइनली वैल्यू ऑफ ए इज 13। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 13, मतलब आउटपुट आपका क्या आएगा, 13 30, ए का वैल्यू 13, बी का वैल्यू 30। रन करवा के देख लो सही है कि गलत, 13 30, ए बराबर 13 एंड बी बराबर 30, ओके। नेक्स्ट, तो ये हमने देख लिया कि पोस्ट फिक्स क्या कर रहा है, अब पोस्ट फिक्स प्लस प्लस में देख लिए, अब पोस्ट फिक्स में तो कौन प्लस प्लस को माइनस माइनस करके दिखा देते हैं सेम चीज में। तीन प्रोग्राम बना लिए बाबू, चौथा प्रोग्राम बनाना, ए प्लस प्लस को ए माइनस माइनस कर दो, ए प्लस प्लस को ए माइनस माइनस कर दो, ए प्लस प्लस को ए माइनस माइनस कर दो। तो देखो इसका भी कहानी वही है कि ए का वैल्यू
जो है कितना हो जाएगा, 10 जोड़ 10 20 जोड़ 2 10 30, तो एक बी का वैल्यू हो जाएगा 30, ए का वैल्यू 10 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा कितना, 9 माइनस माइनस 8 माइनस माइनस 7, तो इसका वैल्यू होगा 37, ए का वैल्यू 7 और बी का वैल्यू 3। देखो ए का वैल्यू 7 और बी का वैल्यू 30, ओके रन करा के आउटपुट बना देना, दो को इसको हटा दो, क्या होगा, ए बराबर 10, बी बराबर कुछ नहीं, तो बी बराबर क्या कहता है, ए माइनस माइनस प्लस ए माइनस माइनस, तो ए माइनस माइनस दो ठो वैल्यू है, तो इस बार क्या होना है, पहले ए का वैल्यू 10 है, 10 है, 10 10 20, 20 तो बी में तो 20 रख दिया, तो बी का वैल्यू 20, एक बार घटा तो 10 में से 9, दूसरा घटा तो 8, मतलब इसका आंसर कितना आ रहा है, 8 और 20 आ रहा है, कितना आ रहा है, 8 और 20 आ रहा है, देखो करके एक आंसर 8 है, बी का आंसर 20, ओके बहुत जरूरी है कॉपी कलम करने का बाबू, इस पे अपना ट्रिक खुद से विकसित करना पड़ेगा, बहुत फंसाता है ये क्वेश्चन, ओके अब चलो प्लस प्लस को मिला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्लस प्लस को भी मर्ज करते हैं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, क्या कहता है, इसके वैल्यू का क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, तो ए माइनस माइनस प्लस ए प्लस प्लस, देखो दोनों पोस्ट फिक्स फॉर्म में है, इसलिए पहले अपना ऑपरेशन करेगा, जो भी ऑपरेशन करना है उसके बाद ही पोस्ट फिक्स वाला काम करेगा, तो ए का वैल्यू जो भी है उसको दे दिए 10, ए का वैल्यू कितना आया, चलो फिर से अपना पेंट खोल के कर लेते हैं, एमएस पेंट को खोला, उसको करने का, इसको मिटाने का, पहले ए मिटाया बी मिटाया, क्या कहता है, पहला वैल्यू कितना दे रहा है, ए में 10 दे रहा है, दे दिया, बी का वैल्यू कितना आएगा वो अभी हमको पता नहीं है, तो पहले ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है हवा में भैया 10, दूसरा क्या है 10, तो 10 10 20, बी में कितना चला गया 20 चला गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी 20, अब 20 चला गया, अब देखो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट के हिसाब से अपन लोग काम करके चलते हैं, देखो ये प्लस है तो इसका जो एसोसिएटिविटी है वो होता है लेफ्ट टू राइट, मतलब पहले ये काम होगा तब ये काम होगा, तो ये काम वैसे फर्क नहीं पड़ने वाला है, प्लस प्लस और माइनस माइनस के केस में जोड़ घटाव में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए आप दोनों में से कुछ भी करो कोई अंतर नहीं आने वाला है, तो ये वाला वो कहते हैं हम ये माइनस माइनस, तो 10 घट के कितना हो गया 9, और उसके बाद कहता है ये प्लस प्लस, तो 9 घट के कितना हो गया 10, सॉरी 9 बढ़ के हो गया फिर से 10, पहले बढ़ाओ के बाद में बढ़ाओ उस पर पड़ेगा नहीं, आंसर जो आपका फाइनल आएगा वो कितना आएगा 10 20 ही आएगा, देखो ए बराबर 10 बी बराबर 20, ओके कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो पोस्ट फिक्स में कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया पोस्ट फिक्स का, चार प्रोग्राम बना करके चारों का आउटपुट लिख के मेरे को सेंड करोगे, अब देखते हैं प्रीफिक्स के केस में, इन केस ऑफ प्रीफिक्स, अब प्रीफिक्स में थोड़ा सा बात बनता है और बिगड़ता है, देखो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पहला हम यहां लिख देते हैं ताकि तुम पहला प्रोग्राम बनाते चले जाओ, इनफिक्स का 1 एग्जांपल, एग्जांपल 1 ए बराबर 10 बी बराबर 20, तो ए बराबर कहता हूं माइनस माइनस ए सॉरी प्लस प्लस ए, देखो इन केस ऑफ इनफिक्स क्या होता है, इनफिक्स कहता है कि पहले इसी का काम कीजिए, इनफिक्स कहता है सबसे पहले हम ही काम करेंगे, इनफिक्स क्या कहता है एग्जीक्यूट फर्स्ट, इनफिक्स क्या कहता है पोस्ट फिक्स इट परफॉर्म आफ्टर ऑल ऑपरेशन इज डन इन एनी, मतलब इसमें क्या है भैया पोस्ट फिक्स में ये सबसे लास्ट में करता है, बात समझ गए, लेकिन प्रीफिक्स क्या कहता है, ये दो चीज याद रखोगे सब काम हो जाएगा, ये क्या है मेरा पोस्ट फिक्स था, ये हो गया मेरा प्रीफिक्स, प्रीफिक्स इट परफॉर्म ऑपरेशन
बिफोर ऑल ऑपरेशन ऑल ऑपरेशन बिफोर ऑल ऑपरेशन इज डन इन एनी एक्सप्रेशन कहता है सबसे पहले हम ही काम करेंगे। देखो प्लस प्लस होगी माइनस माइनस तो फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है किस चीज से, पोस्टफिक्स से फर्क पड़ता है, और फर्क पड़ता है किस चीज से, प्रीफिक्स से फर्क पड़ता है। तो चलिए अब दिखाते हैं, मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। इसका एग्जांपल दिखाने के लिए मैंने क्या बोला, प्लस प्लस है, ठीक है, प्लस प्लस है। तो आप कहते हैं ए बराबर परसेंट डी प्लस बी बराबर परसेंट डी, ए का वैल्यू दिखाओ बी का वैल्यू दिखाओ, तो इसमें तो कोई बड़ा अंतर आपको दिखाई देगा नहीं। चलिए ए बराबर दस और बी बराबर बीस, सॉरी बी में कुछ नहीं है, बी में अभी आपको कुछ नहीं है, मिटाइए बी को भी। ए बराबर दस दे दिए, बी में क्या होगा, बी में होगा प्लस प्लस ए। तो प्लस प्लस ए क्या कहता है, पहले ए को बढ़ाओ, तो सबसे पहले इंक्रीज द ए, तो इंक्रीज द ए ज्यों ही करोगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज द ए ज्यों ही कीजिएगा तो इंक्रीज हो जाएगा ए, तो इसका काम हो जाएगा दस कट, और दस कट के क्या आ गया ग्यारह, दस खत्म ग्यारह आ गया। दस कट के कितना हो गया ग्यारह हो गया, पहले ए का वैल्यू ग्यारह हो गया, आफ्टर दैट उस ए का वैल्यू जाएगा बी में, तो बी का वैल्यू कितना हो गया ग्यारह हो गया, तो आउटपुट क्या आएगा, ए का वैल्यू ग्यारह और बी का वैल्यू भी ग्यारह, क्योंकि दोनों ग्यारह तुमको दिख रहा है, इसको रन करवा के देख लो, ए का वैल्यू 11 और बी का वैल्यू 11, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अगला अब देखो इसको दो बार में करके देखते हैं, प्लस 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 ए, अब क्या होगा, व्हाट हैपेंड नाउ, चलिए करते हैं अब हम, अब करते हैं हम इसको, दो वेरिएबल बनेगा, इंट ए बराबर 10, बी बराबर कुछ नहीं, तो ए बराबर 10, तो सबसे पहला काम क्या करो, इसको 10 बना लो, पेंट जो छोटा हो जाता है तो बहुत परेशान करता है, ये इसको क्या बना दो, तो पहले 10 बना, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 10, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई, ओके, पहला वैल्यू हो गया इसका 10, बी का वैल्यू अभी कुछ नहीं है, बी का वैल्यू क्या है, अभी कुछ नहीं है, ए का वैल्यू 10, अब बी का वैल्यू अभी मैंने कुछ दिया नहीं है, बी का वैल्यू कब आएगा, बी का वैल्यू आएगा जब ये वाला एक्सप्रेशन सॉर्ट आउट होगा, प्लस प्लस ए प्लस 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 ए। तो देखो सबसे पहले क्या कहता है, प्लस प्लस ए क्या कहता है, प्लस प्लस ए और प्लस 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 ए, तो यहां देखो मुद्दा आता है कि पहला कहता है कि प्लस प्लस ए करो, तो प्लस प्लस ए करो, तो तुमको बता दिए सबसे पहले इसी का काम होगा, तो प्लस प्लस ए करो, तो प्लस प्लस ए करो, तो करो, तो प्लस प्लस ए जो ही करोगे तो इसका प्लस प्लस ए करते ही हो जाएगा तुम्हारा 10 कट गया 11 हो गया, 10 कट के कितना हो गया 11 हो गया, ओके। उसके बाद फिर से देखो कोई प्रीफिक्स पोस्टफिक्स है क्या इसमें, हाँ एक और प्रीफिक्स है, प्लस प्लस ए, तो फिर से ये 11 कट के कितना हो गया, फिर से ये 11 कट गया मेमोरी में, और 11 कट के कितना आ गया, 11 कट के आ गया 12, कितना आ गया 12, कितना हो गया, प्लस प्लस ए और प्लस प्लस ए कटा तो 11 कट के हो गया 12। अब देखो यहां पर ध्यान देना, भूलना मत इस काम को, अब क्या है, पहला तो वो सब तो प्रीफिक्स वाला जितना ऑपरेशन है वो तुम कर दो, अब उसको करने के बाद तुमको क्या करना है, नेक्स्ट ऑपरेशन करना है। तो प्रीफिक्स वाला काम हो गया कि चल रहे भैया, प्लस प्लस ए मतलब 12, प्लस प्लस ए मतलब 12, 11 और 11 से 12। अब जब कोई तो पोस्ट प्रीफिक्स बचा नहीं, देख लो सारा प्रीफिक्स हो गया, अब कोई प्रीफिक्स नहीं बचा है तुम्हारा, अब प्रोसेस चालू करो अगला, तो अगला चालू कर तो क्या होता, ए को जोड़ना है बी के दूसरे ए के साथ, तो अभी जो ए का वैल्यू है ना, यहां से लाओ, अभी कौन सा वैल्यू है ए का 12, यहां लाओ 12, प्लस फिर से ए का वैल्यू क्या है 12, तो 12 दुनी 24,
24, तो B में क्या जाएगा 24, A का वैल्यू ये है और B में चला जाएगा तुम्हारा 24, आउटपुट करके देख लो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, इसका आउटपुट क्या है आप उसको देख सकते हैं। तो इसके आउटपुट को मैं रन करवा लेता हूँ, देखिए देखिए A बराबर 12 और B बराबर 24 आ रहा है। देखिए मेरा आउटपुट क्या A बराबर 12 और B बराबर 24 बता रहा है, कोई दिक्कत? प्रैक्टिस कीजिए बार बार, ड्राई रन करके देखिएगा कि कहीं आपका आंसर और दूसरे का कंप्यूटर का आंसर मिसमैच तो नहीं कर दिया। और दूसरी बात भैया, अगर आपका कंपाइलर इसको मिसमैच करता है, हो सकता है आप टर्बो सी का इस्तेमाल करें और वो जो है आपका कंपाइलर कोई और हो तो आपको आंसर अलग देगा। तो ज्यादा बर्डन नहीं लेना है, आप अपने थ्योरी को खुद से डेवलप कर लीजिए और जो मन करे कीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं एक्चुअली अभी तक ये नहीं समझ पाया हूं कि किस कंपाइलर की वजह से और किस कंपाइलर के अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। बात समझ गए हम लोग, बस थोड़ा सा बेसिकली समझ सकते हैं कि क्या किया जा सकता है, उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, जब हम तुमको कंपाइलर पढ़ाएंगे ना तब तुमको समझ में आ जाएगा ये बात कि कंपाइलर का भी एक स्टैंडर्ड होता है कि हम कौन सा कंपाइलर यूज कर रहे हैं। कंपाइलर का मतलब कहीं से ये जो है टर्बो सी कंपाइलर नहीं है मेरा, ना ही मेरा ये कोड ब्लॉक कंपाइलर है, कंपाइलर तो कुछ और ही है जो मैं कभी फुर्सत में आपको बता दूंगा कि वो कौन सा कंपाइलर है। बात समझ गए, नेक्स्ट नेक्स्ट फिर से चलिए एक बार और कर लें इसी चीज को, प्लस 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 है। अब बताइए क्या होगा, बिना देखे आंसर जोड़ के मैं देना है। प्लस प्लस है मतलब 10 हो गया 11, 11 हो गया 12, 12 हो गया 13। अब 13 हो गया तो मतलब A का वैल्यू कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। B में कितना जाएगा, 13 का 13 13 दूनी 26 13 3 39 39 और 13 जाएगा आंसर, देख लो करके देखो। अरे दादा व्हाट इज दिस, 13 दूनी 26 13 3 39 तो देखिए अगला जो है बच्चे लोग वो है आपका क्वेश्चन, प्लस प्लस ए प्लस 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 ए प्लस 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 ए प्लस 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 ए, अगर आप इस चीज को करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्लस प्लस है मतलब प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स के केस में आपको क्या करना है, प्रीफिक्स के केस में सबका वैल्यू पहले बढ़ा देना है। तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस ए 11 प्लस प्लस ए 12 प्लस प्लस ए 13, अब फाइनल वैल्यू 13 है ना, तो अब जोड़ना है 13 का 13 13 दूनी 26 13 दिया 39, तो ए का वैल्यू कितना आएगा 13 और बी का वैल्यू कितना आएगा 39। कंट्रोल F9, चलिए रन करवाइए। ये टर्बो सी है, एक्चुअल कंपाइलर यही है, जब भी ये कुछ गड़बड़ करे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो सही किसका माना जाएगा, टर्बो सी का माना जाएगा। बात समझ गए, दिस इज योर एक्चुअल कंपाइलर, तब फिर डेव सी कोड ब्लॉक किसी का आंसर जो है वैलिड नहीं होगा, इसका जो प्रोसेस है वही सही है। बात समझ गए, अगला प्लस प्लस ए कॉपी पे करके देखिएगा, प्लस 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 ए कंट्रोल एफ नाइन, क्या होगा 13 से 14 हो जाएगा ए का वैल्यू, और तब 14 का 14 14 दुनिया 28 14 3 42 और 14 चौके 56, तो हो गया तुमको 14 और 56 आंसर आएगा इसका। देखो 14 ए का वैल्यू और बी का वैल्यू 56, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या हो गया, बी का वैल्यू क्या हो गया, ये अब हम अपन लोग समझ गए। अब चलो मान के चलते हैं कि प्लस प्लस के साथ, अब देखो दिस इज योर एग्जांपल नंबर, अगला नेक्स्ट अब कहते हैं प्लस प्लस के साथ माइनस माइनस का कॉम्बिनेशन करके देखते हैं कि क्या होता है। व्हाट इज माइनस माइनस ए, क्या कर दें माइनस माइनस ए, अब क्या देगा ये आंसर। तो पहले क्या होगा, ये प्लस 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 माइनस माइनस ए, क्योंकि देखो पोस्टफिक्स प्रीफिक्स ही प्रीफिक्स है, तुमको इसमें कोई दिक्कत तो होने वाला है नहीं। इस केस में क्या होगा, प्लस प्लस ए करो कि माइनस माइनस ए करो, फर्क क्या पड़ना है, प्रीफिक्स है तो मतलब पहले उसी का वैल्यू का काम होगा ना। तो प्लस प्लस ए मतलब 10 हो गया 11, माइनस माइनस ए तो फिर हो गया वो 10, तो अब क्या करना है 10 और 10 को जोड़ देना है, तो मतलब 20 और 10 देगा ये आंसर। कंट्रोल एफ नाइन, देख लिए 10 और 20। अब इसके साथ करें हम अगर प्लस 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 10, अब क्या देगा प्लस प्लस ए प्लस प्लस ए, अब क्या देगा प्लस प्लस ए मतलब 11, 11 से हो गया माइनस माइनस ए 10, अब फिर हो गया 11, तो अब क्या हो गया 11 हो गया, तो पहले 11 पहले 11 तब जोड़े 11 11 11 22 11 33
11 होगा इसका आंसर, एक आंसर 11 बी का 11 33। चलिए फिर से एक बार कर लें, प्लस क्या प्लस माइनस ही करो ना, क्या फर्क पड़ता है, माइनस 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 10 तो सॉरी माइनस माइनस ये, अब क्या होगा फिर वही कहानी, प्लस प्लस है मतलब 10 हो गया 11, ये हो गया 10, उसके बाद फिर से हो गया 11 और उसके बाद हो गया फिर से 10, तो मतलब क्या हो गया 10 चौके 40, ए बराबर 10 और बी बराबर 40, ड्राई रन करके देखना 10 तो माइनस है ना, गलती कर दिया हम देखने में, देखो प्लस प्लस उसके बाद माइनस है ना, तो मतलब 10 दूनी 20 10 तिया 30 कितना हो रहा है, 10 दूनी 20 10 तिया 30, फिर से करना पड़ेगा इसको हमको, कितना हो रहा है चलो करते हैं, ए बराबर 10 तो ए प्लस प्लस है 11, माइनस माइनस ए तो 10, उसके बाद प्लस प्लस है तो 11, माइनस माइनस है तो फाइनली वैल्यू ए का कितना हुआ 10 हुआ, अब उसी को सब जगह पटको तो हो गया ए 10 जोड़ 10 बराबर 20, 20 जोड़ 10 बराबर 30, 30 में से 10 घट गया तो 20, तो मतलब ए बराबर कितना 10 और बी बराबर कितना 30, ए बराबर 10 और बी बराबर 20, फिर बोले 30, अरे बच्चे 10 है तो 10 20 30 तो इसमें से 10 घट गया तो 20 ही ना, बात समझ गए, क्लियर। अब क्या कहते हैं, पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स को मिला के बनाओगे तब क्या होगा, ये देखना है अपन को कि अगर हम सर पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स को मिला दें तब क्या होगा, प्लस 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 ए प्लस ए प्लस प्लस, देखिएगा मेरे बातों को सुनिए और इसको ध्यान से देखिएगा, क्या कहता है, पहले पोस्ट फिक्स का नहीं, पहले प्रीफिक्स का सब काम कर लीजिए, तो पहले प्रीफिक्स का कॉपी कलम निकाल करके ये कीजिएगा, क्योंकि जब हम टर्बो सी ऑन करते हैं तो मेरे कंप्यूटर में कुछ भी काम नहीं करता है, पता नहीं इसमें रिकॉर्डिंग भी अभी दिखेगा कि नहीं दिखेगा, देखते हैं उसके बाद बताते हैं। तो कहता है सबसे पहले क्या, ए का वैल्यू 10 बी का वैल्यू क्या लाना है, करते हैं तो कहता है प्लस प्लस ये है एक बार यहां पर तो ये हो गया 11, फिर यहां प्लस प्लस ये है तो ये हो गया 12, तो मतलब प्रीफिक्स ने क्या कर दिया उसे 12 कर दिया, और जब प्रीफिक्स ने 12 कर दिया तो पहले 12 के हिसाब से आप कैलकुलेशन कीजिए ना, क्योंकि पोस्ट फिक्स का काम तो बाद में ना, तो 12 का 12 12 दूनी 24 12 तिया 36, और इसको माइनस को भी हटा के प्लस करते हैं, प्लस 12 तिया 36 और 12 चौके 48, टोटल हो गया 48। अब लेकिन एक प्लस प्लस देखो यहां है और एक प्लस प्लस यहां है जो पोस्ट फिक्स में है, तो बी का वैल्यू तो हो गया तुम्हारा 48, लेकिन ए का वैल्यू क्या होगा, 12 एक 13 और 13 एक 14, 14 48 होना चाहिए इसका आंसर, देखो कितना है आंसर 14 48, कैसे हुआ ड्राई रन करके देखना, ओके चल अब फिर करते हैं, चलो प्लस प्लस इसको इस बार यहां प्लस प्लस कर दिया, अब बता क्या होगा आंसर, पहला है प्लस प्लस ये, इसका मतलब ए का वैल्यू 10 से हो गया 11 शुरू से, ए बराबर 10 तो इसलिए प्लस प्लस ये मतलब 10 का वैल्यू हो गया 11, ए प्लस प्लस ये तो हो गया 12 और प्लस प्लस ये हो गया तो 13, मतलब ए का फाइनल वैल्यू हो गया 13 प्रीफिक्स की वजह से, ये तो पोस्ट फिक्स है ना, ये तो बाद में ना होगा, तो 13 हो गया, तो 13 का 13 13 दूनी 26 13 43 13 चौके 52, और उसके बाद बी का वैल्यू हो गया 52 और ए प्लस प्लस तो 13 हो गया 14, तो आंसर होगा 13 नहीं 14 और 52, आंसर कितना हो गया 14 और 52, कोई दिक्कत। चलिए अब हमने बहुत कर लिया, अब आप अपने से बहुत सारे क्वेश्चन को कीजिएगा, मतलब मैंने प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स पढ़ लिया, हाउ प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स वर्क्स, अब इसका प्रैक्टिस आप कर लीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताइएगा, ओके थैंक यू, ये ऑपरेटर हो गया तुम्हारा खत्म, देखते हैं अगला जो है तुम्हारा वो वाला तुमको पढ़ा देंगे बिटवाइज ऑपरेटर।